بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज की हमारी रेसिपी है चिकन शाही कोरमा। आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह चिकन शाही कोरमा की ग्रेवी एकदम क्रीमी होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं चिकन शाही कोरमा बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। एक किलो चिकन, दही, दो प्याज का बिरस्ता, खसखस, गीला नारियल एक कटोरी, काजू और बादाम, अदरक लहसुन की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च, हल्दी, नमक, खड़े गरम मसाले, एक चम्मच जीरा, तेजपत्ता, कुछ लवंग, दालचीनी के कुछ टुकड़े, काली मिर्च, तीन स्टार फूल और तीन हरी इलायची। शाही कोरमा बनाने के लिए हमें कुछ दो पेस्ट की ज़रूरत है। पहले हम लोग एक पेस्ट कर लेते हैं, ये कटोरी गीला नारियल, ये कुछ काजू और बादाम, एक चम्मच खसखस और ये तले हुए प्याज। इसकी हम लोग थोड़ा सा दूध ऐड करके पेस्ट कर लेंगे अच्छी सी। ये हमारा गैस पे तपेली रख चुके हैं हम लोग और दो बड़े चम्मच तेल गरम हो चुका है जिसमें हम लोग ये अखा गरम मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और साथ ही में हम ये चिकन भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे दो चम्मच और ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। हम इसमें हरी मिर्ची इसलिए पीसते हैं कि इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ऐड होता है क्योंकि ये एकदम लाल नहीं होता, इसका कलर एकदम थोड़ा से लाइट होता है। अब हम लोग इस मसालों में चिकन को कुछ 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा अच्छे से भुना के नहीं चिकन। देखिए माशाल्लाह ये अदरक लहसुन की पेस्ट में और धनिया पुदीना मिर्ची की पेस्ट में अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे कुछ दो चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून हल्दी और स्वाद के मुताबिक नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब मसालों को। इसे शाही कोरमा इसलिए बोलते हैं कि इसमें काजू, बादाम, देसी घी और नारियल वगैरह सब ऐसी चीज़ें पड़ती है, इसलिए इसे शाही कोरमा बोलते हैं। और इसका कलर एकदम से लाल लाल नहीं होता, ये थोड़ा सा हल्का कलर का बनता है। देखिए मैंने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया और मसालों की माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये वाली पेस्ट ऐड करेंगे जो काजू, बादाम, गीला नारियल, तली हुई प्याज को हमने एक कप दूध के साथ और खसखस के साथ अच्छी ऐसी मुलायम पेस्ट कर ली है, अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी में माशाल्लाह बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी ग्रेवी बनती है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए इससे हमारी ग्रेवी एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगी और एकदम आपको चाहिए तो अच्छे से गाढ़ी भी बन सकती है। अब हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे, ये कटोरी के नाप से दही है। और अब अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसे कुछ 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनने देंगे और उसके बाद हमें जितना पानी चाहिए इतनी पानी ऐड करके फिर अच्छे से चिकन को हम लोग पका लेंगे। देखिए इसका कलर इस तरह से कुछ लाइट लाइट होता है, एकदम रेड रेड नहीं बनता ये। इसे दावतों वाला शाही कोरमा कहा जाता है, इसे खास करके दावतों में ज़्यादा बनाया जाता है। देखिए अब हम लोग कुछ इसे 10 से
मिनट के लिए ढक के अच्छे से पकने देंगे। चेक कर लेते हैं हमारी चिकन अच्छे से पकी के नहीं। देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन अच्छे से भून के रेडी है और सभी मसाले अच्छे से पक चुके हैं और हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब हमें इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही जोरों से बारिश चालू हो गई है। अब हम चिकन पकने तक इसे ढक के अच्छे से पकने देंगे और अगर हमें लगेगा कि थोड़ा पानी सूख गया है तो हम थोड़ा पानी और ऐड करते जाएंगे जिस हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए। अब हम इसे ढक के अच्छे से बॉईल होने देंगे पानी को। हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा चिकन की ग्रेवी ठीक हुई कि नहीं। देखिए माशाल्लाह हमें जैसी ग्रेवी चाहिए उस टेक्सचर में ग्रेवी आ चुकी है और चिकन भी अच्छे से हमारा पक चुका है बेहतरीन। अब हम लोग गैस की फ्लेम बंद करने से पहले इसमें ये एक कटोरी घर की फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो और साथ ही में ये एक चम्मच देसी घी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लास्ट में हम क्रीम इसलिए ऐड करते हैं कि अच्छे से खुशबू आए क्रीम की। देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी ग्रेवी बनी है। ये बहुत लाल कलर की ग्रेवी नहीं होती है, ऐसे हल्का ही कलर होता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग और हम लोग गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और इसके साथ हम लोग ने जीरा राइस बनाए हैं जिसकी भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जीरा राइस बनाने के लिए मैं 1 किलो की क्वांटिटी में बिरयानी के राइस अच्छे से पानी में बॉईल करके ले चुकी हूँ, सिर्फ नमक ऐड करके और आधी चम्मच तेल ऐड करके अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने 1 तपेली में 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है, उसके अंदर हम लोग ये 1.5 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरे को हमें थोड़ा ज़्यादा डार्क लाल कलर का करना है। हमारा जीरा अच्छे से थोड़ा सा हो गया है डार्क कलर का, लेकिन हम इसे और थोड़ा करेंगे फ्राई और ये चिकन शाही कोरमा के साथ माशाल्लाह ये जीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए माशाल्लाह जीरे की महक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम लोग इसमें राइस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अच्छे से राइस को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही इजी राइस है और माशाल्लाह इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो रेगुलर राइस खाते हैं हम लोग बोर हो जाते हैं, उससे कुछ डिफरेंट रेसिपी हो जाती है। देखिए अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पूरा। अब हमने राइस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ हरे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, ये 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसे गैस की फ्लेम स्लो करके हम कुछ 5 मिनट के लिए दम दे देंगे, तब तक हमारे राइस अच्छे से रेडी हो जाएंगे। देखिए दावतों में बनने वाला स्पेशल चिकन शाही कोरमा बनके रेडी है। माशाल्लाह हमने इसे जीरा राइस के साथ सर्व किया है। आ जाइए आप भी हमारे साथ खाने के लिए और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी चैनल देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखना। और मैं अक्सर दावतों में इसी तरह का शाही कोरमा बनाती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।